आज हम स्थिरता क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें ये सिंपल स्केल दिया गया है। क्वेश्चन है 1/500 mm थी एक मापनी 80 मीटर पढ़ने के लिए बनेगी, मापनी पर 47 मीटर की दूरी दर्शाइए। अब क्वेश्चन में दिवन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया दया है या हिंदी में बोलते निरूपित भिन्न, निरूपित भिन्न जो 1/50 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है, और मैक्सिमम लेंथ, और एक चीज और दी है मैक्सिमम लेंथ या अधिकतम दूरी दी हुई है, अधिकतम दूरी 80 मीटर, अधिकतम दूरी 80 मीटर दी हुई है। अब निरूपित भिन्न का एक फार्मूला भी होता है। इस क्वेश्चन में अपन तो हमें निरूपित भिन्नता फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन निरूपित भिन्नता फार्मूले का याद होना जरूरी है। निरूपित भिन्नता फार्मूला है ड्राइंग पर वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक माप जो कि अपन तो 1/500 mm दिया हुआ है वो अधिकतम दूरी। अब अपन तो या हमें मापनी की लंबाई ज्ञात करना, या फिर बोलते लेंथ ऑफ स्टेल, लेंथ ऑफ स्टेल, लेंथ ऑफ स्टेल का फार्मूला रहता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, या हिंदी में लेंथ ऑफ स्टेल का माप नी ती लंबाई बराबर निरूपित भिन्न इंटू निरूपित भिन्न इंटू अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। हमें निरूपित भिन्न दिया है और अधिकतम दूरी भी दी है, तो हमें मापनी की लंबाई ज्ञात करना है। तो मापनी की लंबाई निकालने के लिए लेंथ ऑफ स्टेल इक्वल टू निरूपित भिन्न 1/500 इंटू 80। अब 80 अपन तो मीटर में दिया है, तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हो, 100 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं, तो 5 × 2 0 × 2 0 × 3 यहाँ 16 × 3 हो जाएगा। या ये मिस्टेक आ गया, ये 5 सेंटीमीटर है, नॉट एमएम, सेंटीमीटर है। अतः अपन तो क्वेश्चन में सेंटीमीटर ही निकालना है, तो लेंथ ऑफ स्टेल 16 सेंटीमीटर होने। अब लेंथ ऑफ स्टेल में 16 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करना है,
हमें मैक्सिमम लेंथ 80 मीटर शो करना है, इसलिए मैं लेंथ ऑफ स्टेल 16 सेंटीमीटर ड्रा करना, 16 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 16 सेंटीमीटर तो लाइन ड्रा करा है, जिससे अपन तो इक्वल आठ भाग करना है। इक्वल आठ भाग करने के लिए हमें एक ये प्रोसेस फॉलो करना है, डिवाइड थी प्रोसेस फॉलो करने के लिए एक एंगल पे एक लाइन या एक इंक्लाइन लाइन खींचना है, जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब हमें इस लाइन को तो जो ए बी लाइन है इसे आठ भागों में डिवाइड करना, तो राउंडर की सहायता से इस इंक्लाइन लाइन को आठ भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इक्वल भाग में इस लाइन को डिवाइड करना है। डिवाइड करने बाद लाइन तो नंबरिंग देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। जो 8 वाला पॉइंट है उसे अपन तो पॉइंट बी से मिलाना है, पॉइंट बी से मिलाना है, और उसके बाद रोलर स्टेल तो धीरे धीरे पीछे के साइड रोल करना है, इसके बाद इतना वर्टिकल लीन था तो 25 mm तो 32 mm लिया जाता है, 25 mm यानी 25 mm तो 32 mm लिया जाता है। यहाँ इक्वल पार्ट दिए जा रहे हैं, हम इस तेल से इक्वल पार्ट कर रहे हैं। आप तभी भी नंबरिंग ये जो बात आया ये इसका मान अपन तो 10 मीटर या 10 मीटर मानना है, तो यहाँ पे लिखा जाता है 10 मीटर 3 मीटर। तभी भी नंबरिंग यहाँ पे जीरो दिया जाता है,
जीरो, टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी एंड सेवेंटी। अब जो अपन तो दस मीटर का ये भाग जो पहला है, इसे भी दस भागों में डिवाइड करना, सब डिवाइस तीन भागों में, तीन भागों में डिवाइड करने के लिए एक लाइन और एक इंक्लाइन ए पॉइंट से ली जाती है और इसे तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। राउंडर थीटा, राउंडर सहायता से हमें जो लाइन दूसरी इंक्लाइन ली है उसे दस भागों में डिवाइड करना है। मैंने अवसर देता है तो फिर चेक करते हुए थे बच्चे स्केल में सब डिवाइड करना भूल जाते हैं और इसी तरह उनके नंबर कम आते हैं। बच्चों तो ये प्रॉब्लम होता है कि तेजी सब डिवाइड करते तीते तालम बनाए जाते हैं, में इस तालम बनाए जाते हैं। अपन तो तभी भी मैक्सिमम लेंथ तथा पूर्णांक देता ना है, माना तो मैक्सिमम लेंथ तथा पूर्णांक 90 है तो हमें कुछ नहीं, ये वाली डिजिट फर्स्ट डिजिट 99 है तो 9 भाग तरने रहते, या 7 है 70 है सपोज तो 7 भाग तरने रहते हैं, या 7 बार डिवाइड करना पड़ता है। फिर जो अपना ये वाला पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन भागों तो ये ओ वाले जीरो वाले भाग से मिलाते जाते हैं और ऐसे तरते सब डिवाइड हो जाता है। यह सब डिवाइड किए जा रहे हैं क्यों तरते, इसका भी कारण क्योंकि अपन तो हमें 47 मीटर प्रदर्शित करना है, कितना 47 मीटर प्रदर्शित करना, 40 मीटर तो यहाँ से प्रदर्शित हो जाएगा, जो 7 मीटर वो इधर प्रदर्शित करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबरिंग दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हमें 7 वाला भाग हमें 47 मीटर तो प्रदर्शित करना है तो 40 मीटर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 40 मीटर और 7 मीटर इधर से लेना है, तो अतः अपने हमें 7 मीटर इधर से लेना पड़ेगा। तो 40 मीटर इधर से बच्चे सबसे ज्यादा एरो हेड बनाने में गलती करते, एरो हेड का रेशो रहता है 3:1। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर या 47 मीटर लेना है। इसके बाद बच्चे अफसर ए दलती तलती लेंथ ऑफ स्टेल
लेंथ ऑफ स्टील 16 सेंटीमीटर एन, यहाँ पे आर एफ लिखा जाता है, आर एफ इक्वल टू हंड्रेड। यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन पे पूरे से पूरे इस तरीके से आपने बना दिया, पूरे से पूरे नंबर आप तो मिल जाएंगे मेरे इस चैनल को। शेयर सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों तो जरूर शेयर करिए एंड लाइक का बटन जरूर, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मेरा चैनल चले। थैंक यू। Bye.